वाला है। आपसे करीब 40 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपना भाषण देंगे। 7:15 बजे के आसपास पीएम मोदी का संबोधन होगा। यूएन में तीसरे नंबर पर पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है और साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन, जो कि पहले 9 बजे शेड्यूल था, अब 8 बजे के आसपास उनका संबोधन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आपसे 40 से 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में और साथ ही इमरान खान का संबोधन होगा 8 बजे। और लगातार इस बड़ी कवरेज के जरिए हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं सटीक विश्लेषण के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलने वाले हैं और इमरान खान को किस तरह बेनकाब करने वाले हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का विरोध हुआ है। न्यूयॉर्क में फ्री बलूचिस्तान के नारे लिखे प्लेन को उड़ाया गया है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के विरोध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, आज जबकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इमरान खान भी बोलने वाले हैं, उससे पहले न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का जबरदस्त विरोध। आप तस्वीरें देखिए न्यूयॉर्क के आकाश में किस तरीके से फ्री बलूचिस्तान के नारे को लेकर प्लेन उड़ाया गया है। लगातार बलूच लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान अन्याय कर रहा है, वहां पर कत्लेआम मचा रहा है, लोगों पर जुल्म ढा रहा है। अलग अलग मंचों से बलूच नेता अपनी बात रख रहे हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं, न्यूयॉर्क में हैं, वहां भी उन्होंने अपील ये की थी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अब इमरान खान के संबोधन से ठीक पहले विरोध की एक बड़ी तस्वीर न्यूयॉर्क के आकाश में। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से फ्री बलूचिस्तान के नारे को लेकर एक प्लेन ऊपर उड़ाया गया। ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से पाकिस्तान के अन्याय को आकाश के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश, तब जबकि दुनिया के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष न्यूयॉर्क में हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अपना भाषण देने के लिए। हमारे साथ हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर रोहित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, इमरान खान के बोलने से ठीक पहले न्यूयॉर्क के आकाश में पाकिस्तान के विरोध की बड़ी तस्वीर। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले और इमरान खान के भाषण से पहले ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये एक तरीके से तमाचा है क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है नीचे। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा करने वाली टीम है, उस टीम ने कई पोस्टर बैनर लगा दिए थे कश्मीर के विरोध में, और जब वही पोस्टर नीचे लगा के प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिसके बारे में हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पैसे देकर वो विरोध प्रदर्शन खरीदा गया है, उस बीच ये जो तस्वीर जो प्रोपेगेंडा करने वाली टीम है, उस टीम ने कई पोस्टर बैनर लगा दिए थे कश्मीर के विरोध में, और जब वही पोस्टर नीचे लगा के प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जिसके बारे में हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पैसे देकर वो विरोध प्रदर्शन खरीदा गया है, उस बीच ये जो तस्वीर आई है हवाई जहाज के जरिए, जिस तरीके से वहां पर प्रचार किया गया बलूचिस्तान में होने वाली ह्यूमन राइट वायोलेशन का, उसमें साफ साफ लिखा है कि अमेरिका मस्ट हेल्प अस और बलूचिस्तान को बचाने की मांग की गई है। ये चीज बताता है कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकार के मामले में कितना ज्यादा पिछड़ा हुआ है, और वो आज जब कश्मीर का मामला उठाने की बात तय कर चुका है, उस बीच ये तस्वीर उसको आईना दिखाती है कि पाकिस्तान खुद बुरी तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है और फिर झूठ बोलता हुआ कश्मीर में जाएगा। और रोहित, ये पहला मौका नहीं है, अलग अलग मंचों से जो बलूच नेता है वो अपनी बात कहते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब ह्यूस्टन में थे, वहां भी बलूच के लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपील की थी कि वो पीएम से मिलना चाहते हैं। अलग अलग मंच से वो अपनी बात कहते हैं। यूएनएचआरसी की मीटिंग में भी बलूच के नेताओं ने कहा था कि किस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, बलूच नेताओं ने कहा था, और आज फिर एक बार बलूच नेताओं की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी अनुरोध किया है कि वो हस्तक्षेप करें और इस मामले को वहां उठाएं। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये देखिए दो तस्वीरें और हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक पोस्टर वॉर छिड़ गया है एक तरीके से। इस वक्त इंतजार चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच में जो होने वाला है, उसका एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। कराची में एक तरफ से फ्री कराची के पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन का विजुअल तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के खिलाफ लगे, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान संघर्ष की तस्वीरें लगी हुई है। तो यानी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से वहां पर खुल करके जनता विरोध कर रही है, और यही विरोध साफ तौर पर पाकिस्तान का मुंह काला करता है, क्योंकि ये तस्वीरें सबूत है कि उनके देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल रोहित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। जिन दो तस्वीरों की आपने चर्चा की, एक बार फिर से उन तस्वीरों के बारे में दर्शकों को बता दें। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जस्टिस फॉर कराची, जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये सड़क सीधे जाती है यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, जहां पर आज जनरल असेंबली होने वाली है, उसी के आगे वाली सड़क पर ये दो ट्रक खड़े किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान में जितने आतंकी पाए गए, जिन पर आरोप ओसामा बिन लादेन से लेकर तमाम बड़े आतंकियों की तस्वीर इस ट्रक पर चस्पा की गई है, और उसमें जस्टिस
फॉर कराची का स्लोगन लिखा हुआ है और साथ ही बलूचिस्तान के समर्थन में भी वहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनका रोहित जिक्र कर रहे थे। रोहित, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हर मंच पर लगातार